दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलर पॉलिटिशियन एंड नेशनल क्रश और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के बारे में, और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है चिराग पासवान और प्रोफेशन से एक्टर एंड पॉलिटिशियन है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1982 को न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ। 2024 के हिसाब से आज इनकी एज 42 ईयर हो चुकी है और इनका होम टाउन खगड़िया बिहार है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो चिराग ने अपने स्कूल की पढ़ाई एयरफोर्स गोल्डन जुबली इन इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से की और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बीटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस से। अब इनके करियर के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, चिराग को बचपन से ही बॉलीवुड में दिलचस्पी थी। वह हमेशा बॉलीवुड की फिल्में देखते थे और शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग भी करते थे। पॉलिटिक्स में आने से पहले वे एक एक्टर थे। साल 2011 में उन्होंने कंगना रनौत, नीरू बाजपा, सागरिका घाटगे के साथ फिल्म मिले ना मिले हम से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर अनसक्सेसफुल रही। साल 2012 में उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया और राजनीति में शामिल हो गए। जब वे राजनीति में आए थे तब लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और कम समय में पार्टी को पुनर्जीवित कर दिया। 2014 में LJP और BJP के बीच गठबंधन बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। साल 2002 में गुजरात दंगों के बाद रामविलास पासवान ने BJP से अपना गठबंधन तोड़ दिया था। चिराग ने अपने पिता को समझाया कि उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए और यह सही काम किया। चिराग को नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल पसंद आया, इसी वजह से वह BJP के साथ गठबंधन करने के लिए राजी हो गए। उनको मोदी जी का हनुमान भी कहते हैं। साल 2014 में उन्होंने बिहार की जमुई सीट से चुनाव लड़ा और 85,000 वोटों से जीत हासिल की। BJP के गठबंधन करने का निर्णय सफल साबित हुआ और LJP, जिसने साल 2009 में आम चुनावों में एक भी सीट नहीं जीती थी, साल 2014 के चुनावों में उसने जिन 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था उसमें से 6 पर प्रचंड जीत हासिल की। दिसंबर 2018 में रामविलास पासवान जी ने अनाउंसमेंट की कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह भी अनाउंसमेंट की कि तब से लोक जनशक्ति पार्टी के सभी बड़े फैसले चिराग द्वारा लिए जाएंगे और पार्टी को उनका समर्थक करना चाहिए, और वहीं से ही ये पार्टी के अध्यक्ष बने। साल 2019 में उन्होंने जम्मू की सीट से दोबारा चुनाव लड़ा और 5,28,771 वोट हासिल की और पुनः जीत दर्ज की और दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य बने। और साल 2024 में उन्होंने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा, लगभग 1,70,000 वोटों से जीत हासिल की। और चिराग पासवान फाउंडेशन नाम से एक NGO भी चलाते हैं। ये NGO बिहार के बच्चों को एजुकेशन और बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने की दिशा में काम करता है। अब मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। तो इनके फादर का नाम लेट रामविलास पासवान जी है, जो प्रोफेशन से पॉलिटिशियन है। इनकी मदर का नाम रीना पासवान है। इनकी 3 सिस्टर भी हैं। इनकी रियल सिस्टर का नाम निशा पासवान, इनकी स्टेप सिस्टर का नाम ईशा पासवान, इनकी सेकंड स्टेप सिस्टर का नाम आशा पासवान है। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं, तो ये अनमैरिड हैं। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ मंत्री जी का टोला खगड़िया बिहार में रहते हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है मारुति जिप्सी 2015 मॉडल एंड टोयोटा फॉर्चूनर 2014 मॉडल। अब इनकी इनकम एंड सैलरी देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार इनको लगभग 1,00,000 रुपये प्लस अलाउंसमेंट मिलता है एज ए MP। साथ ही साथ इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार इनकी टोटल नेटवर्क एंड टोटल असेट्स मिलाकर लगभग 6 करोड़ रुपये है। तो ये थी चिराग पासवान जी की लाइफ स्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।